नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BRA एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश भारती, आज आपका पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट। जैसे कि दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, मोडाल क्या होता है। दोस्तों ये भी मैंने बताया था कि एग्जाम्पल्स की सहायता से इसे कैसे पहचाना जाता है, मोडाल्स को कैसे पहचाना जाता है, हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचाना जाता है, मेन वर्ब को कैसे पहचाना जाता है। तो ये सब दोस्तों हम एग्जाम्पल की सहायता से समझे भी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं लेटर्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, वावेल कितने होते हैं। तो दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वावेल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो आइए फिर देखते हैं। दोस्तों इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। दोस्तों इंग्लिश अल्फाबेट में कितनी संख्या होती है, 26 लेटर होती है। कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों अल्फाबेट की संख्या तो 26 है, तो इसमें से वावेल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो अगर वावेल्स की बात किया जाए तो दोस्तों इसकी संख्या 5 होती है, कॉन्सोनेंट की बात किया जाए तो इसकी 21 होती है। वावेल्स की बात करें दोस्तों, वावेल्स क्या होता है, ए से पूरा जेड तक ये 26 लेटर होता है। तो इसमें से वावेल्स कौन कौन है, कॉन्सोनेंट कौन कौन है, तो आइए फिर देखते हैं। देख ए हो गया वावेल है, ई हो गया वावेल है, आई हो गया वावेल है, ओ हो गया वावेल है, यू हो गया। तो संख्या गिनिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इस तरह से दोस्तों वावेल्स की जो संख्या है 5 होती है। अगर कॉन्सोनेंट की बात किया जाए तो 21 होता है। आइए गिनते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया और ये 21 हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से कॉन्सोनेंट की संख्या जो है 21 हो गई। वावेल्स की संख्या अगर पूछा जाए दोस्तों तो 5 हो गई। तो आइए देखते हैं ये साउंड क्या है, 19 साउंड, 25 साउंड। तो ये क्या है दोस्तों, जब हम बी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे कि बी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं बी, अगर हम बी बोलते हैं दोस्तों तो ई का साउंड निकलता है। अगर हम सी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो सी मतलब ई का साउंड निकलता है। डी जब हम डी को प्रोनाउंसिएशन करते हैं ई का प्रोनाउंसिएशन निकलता है। तो दोस्तों इस तरह से इसका 25 साउंड हो जाता है कॉन्सोनेंट का, और वावेल्स का 19 साउंड हो जाता है। ए से पूरा जेड तक लेटर्स कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 वावेल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट की संख्या की बात किया जाए दोस्तों तो 21 होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि वावेल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, वावेल्स की संख्या कितनी होती है, कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है। तो इस तरह से दोस्तों वावेल्स को आप समझ गए, कॉन्सोनेंट को समझ गए, लेटर्स कितने हो गए आप ये भी समझ गए। तो ए से पूरा जेड तक लेटर्स कितने होते हैं, 26। तो दोस्तों इस प्रकार से समझ चुके होंगे कि वावेल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो दोस्तों अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।